आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और हमारे शहर में देख सकते हो कितना अरेंजमेंट किया है योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। अभी सुबह के 7:15 हो जा रहे हैं, साढ़े नहीं 6:15 हो जा रहे हैं, 6:30 का समय दिया है, और आप इस ग्राउंड का पूरा नज़ारा देख सकते हो। यहाँ कितने सारे लोग खड़े हैं, जूम करके दिखाओ पूरा, इतनी है देखो, फिर इधर देखो कितने लोग हैं, इतने लोग, फिर उधर से भी कोई घूम रहे हैं। और अभी ये जो स्टेज जैसे कुछ कुछ लगा है, वहां पर देखिए कितने लोग हैं। तो अब ये मैं क्यों दिखाया हूं सबको कि आज एक दिवस योग सभी ने करना चाहिए, इसका प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी अभी देख लीजिए, ये लगभग 500 लोग होंगे, 500 लोगों में से वहां कितने लोग हैं, बहुत हो गया, जो सामान्य जनता है वो वहां पर 5 या 10 ही लोग होंगे, जो दूसरे हैं उन्हीं जो कार्यक्रम जिसने अरेंज किया है उनके उनके ही लोग हैं वहां पर। तो हमें समझना होगा कि भारत की जनता योग को क्या समझ रही है, प्राधान्य दे रही है कि चलो हम योग करें। वो गाने भी लगवाए हैं वहां से कि आओ चलो योग करें, एक दिन तो योग करें, योग ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है और योग ही जीवन जीने का तरीका है, ऐसे गाने लगवा कर वो लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन आप देखो लोग क्या कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना व्यायाम कर रहा है, हर कोई अपना अपना दौड़ रहा है, हर कोई अपना अपना ये कर रहा है। अब मजे की बात तो ये है कि ये जो बैठने के लिए अरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएंगे छोटे स्कूल के बच्चे, छोटे स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बिठाया जाएगा, और ऊपर जाकर जो कोई योगाचार्य है वगैरह है, योग दिवस मनवाएंगे या लेंगे। समझना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि ये युवा, ये बाकी जो अन्य जनता है भारत की, वो योग क्यों नहीं करना चाहती है, या फिर अपना अपना ही कुछ करना और ऐसे ही करते रहना, जो भारत की धरोहर है, भारत की पहचान है योग, ये लोग क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि योग का असली अर्थ जो है इनके सामने नहीं आया है अच्छे से। जो अगर योग को, ध्यान को समझाया जाए, उनके सामने रखा जाए, तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने 5-6 लोग वहां पर दिख रहे हैं स्टेज के सामने, 5-6 लोग बाहर दिखेंगे, और ये जो भारत की जनता है वो सब अंदर जाकर बैठेगी, और असली वाला योग ध्यान जब आएगा सामने तभी ये नज़ारा देखने को मिलेगा। आज जो चल रहा है योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर, ये कुछ भी चल रहा है। क्या लगता है, जो गौतम बुद्ध ने, भगवान महादेव ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये योग जो उनके समय में किया था वो योग अब हो रहा है, नहीं हो रहा है? इसी वजह से ये हाल हमें देखने में आ रहा है कि सारी दुनिया, सारी जनता, 150 करोड़ की लोकसंख्या है हमारे भारत देश की, सब बाहर है, और कुछ हजारों लाखों में लोग भारत के लिए योग दिवस मनाओ इसका प्रचार करते हुए हमें दिख रहे हैं। पहले योग को सटीक तरीके से समझना होगा, बच्चों के प्रति आगे रखना होगा, युवाओं के प्रति आगे रखना होगा, तब जाकर इस योग दिवस का सम्मान होगा। और फिर और एक बार भारत विश्व गुरु इस मार्ग पर चल सकेगा, नहीं तो ये जो हालत है अभी, ये हालत तो बरसों तक, पीढ़ियों तक चलते ही रहेगी, जब तक अंधेरे में रहकर, अविद्या में रहकर योग को प्रमोट किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, मेरा विचार कैसे ला कैसा है, कैसे है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।